हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है वैभव, आई एम द फाउंडर ऑफ अंडरडॉग्स गेमिंग स्टूडियो। हम लोग हैं बैंगलोर में या IGDC थ्रू ब्लॉकचेन गेमिंग समिट जो बैंगलोर में हो रहा है वहाँ पे जा रहे हैं। तकरीबन 3 साल के बाद फिजिकल इवेंट हो रहा है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। बहुत अमेजिंग इवेंट होने वाला है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट Web3, मेटावर्स, NFT, क्रिप्टो एंड अ लॉट ऑफ न्यू स्टफ दैट इज हैपनिंग इन गेमिंग। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उस इवेंट में जितनी चीज़ें होने वाली है, काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली है। बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सारे इंडस्ट्री के सारे बड़े लोग आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। Amazing room, IGDC. Dear Mr. Vaibhav, welcome to the... Good old 3 days event, 3 years later, physical event. Let's do this. How was day one, Nikhil? Fantastic. अभी बजे है कितने, 1:15 हुए और पूरा दिन नेटवर्किंग किया। अभी हम लोग ओला बुक करके जा रहे हैं। सो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा इवेंट था। हम शाम को आए, बहुत सारे लोग से इंटरेक्ट की और दिमाग खुल गया। एक्चुअली बहुत सारी क्लैरिटी मिली एंड विच इज़ नेसेसरी एवरी ईयर कमिंग टू दीज इवेंट्स। दैट इज़ वाई वी से नेटवर्किंग इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान मिलता है यार, बरसों से काम किए हुए लोगों का 10-10 मिनट में कॉन्वर्जेशन करके ज्ञान मिलता है। दैट्स इम्पॉर्टेंट। नेहा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेरी इंटरेस्टिंग। गॉट टू मीट विद दीज इंडस्ट्री जायंट्स एंड प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग समथिंग दैट आई हैव डन इन द पास्ट, गोइंग ऑन टू फर्दर अपॉर्चुनिटीज एंड गाइडिंग अस विद थिंग्स, सो मच अप्रिशिएटेड विद दैट। अमेजिंग स्टफ। वन मोर डे टू गो, लेट्स सी some very cool talks that are happening. We'll put out some good content pieces. India, which is born in India, right? We don't need the games from the out of countries because we have super good talents over here in India. That's what I hear. Yeah. You mentioned about scholars, right? This is one of the terms that is widely used again in the guild community or the organizations. Can you touch base on what a scholar is and the kind of scholarship models that you guys are offering? Sure. So the concept of scholarship is very simple, in a way that they understand and can relate to, and then also sort of simplify the whole process of onboarding and playing the game and also offboarding, right? So that's, I guess, how you get adoption in India. Priya, I would really love to understand your perspective also, and what is Avisa bringing on table for the user? Sir, autograph please, sir. Hello people, welcome back to Mumbai. मैं मुंबई में लैंड कर चुका हूँ, 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं उस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ अभी इमीडिएटली। बट मुझे एक छोटा सा रिव्यू, ओवरव्यू, समराइज़
जो भी है वो करना था इवेंट से रिलेटेड, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिला नहीं उस इवेंट के बाद कुछ रिकॉर्ड करने का, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे हम लोग, इतनी कॉन्वर्जेशंस, इतने लोगों से मुलाकातें, अपॉर्चुनिटीज़, बहुत 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 अपॉर्चुनिटीज़। आई थिंक इवेंट के बाद अभी आई थिंक मेरे को और 2-3 दिन लगेंगे टू फिगर आउट किस किस से मिले थे और इससे क्या कॉन्वर्जेशन किया था और इस कॉन्वर्जेशन को आगे फॉलोअप कैसे करें, तो वो होने वाला है। बट मैं एक समराइज करना चाहता था इवेंट को लेके। सो फर्स्ट डे जैसे हम लोग बैंगलोर में गए थे, आई थिंक मैं सुबह 11-12 बजे लैंड किया था, लेकिन 7 बजे इट वॉज देर वॉज अ स्पीकर्स पार्टी, जो बेसिकली जितने लोग इवेंट में बात करते हैं, टॉक्स देते हैं, पैनल्स में होते हैं, मॉडरेट करते हैं, और क्यूरेटर्स, ये 4-5 तरीके, और इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली, जो जिनको हमने बुलाया होता है, जिनको क्यूरेटर्स ने बुलाया हुआ होता है इवेंट के लिए, उन सब के लिए एक प्री इवेंट पार्टी होती है। बेसिकली आप बोल सकते हो बेनिफिट्स हैं, यू नो, वॉलंटियर करने के, आपको बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने मिलता है उस वीआईपी पार्टी में पहले दिन ही, बिकॉज इवेंट के दिन सब लोग बिजी होते हैं, इवेंट के दिन सबके अपने अपने टॉक्स होते हैं, अपने अपने एजेंडाज होते हैं, लेकिन ये जो पार्टी होती है, जो प्री इवेंट पार्टी होती है, इसमें एक्सेस तभी मिलता है जब आप या तो कोई इवेंट में बात कर रहे हो, या तो आप यू नो मॉडरेट कर रहे हो, या तो आप क्यूरेटर हो, ऑर्गेनाइजिंग टीम में हो, तो बेनिफिट ये होता है कि आपको इनसे वन ऑन वन, जो भी लोग आते हैं उनसे वन ऑन वन बात करने मिलता है। ये स्पेसिफिक पार्टी में इंडिया के मोस्ट टॉप स्टूडियोज, जितने भी है, आई मीन थोड़े ऑफ बीट जो है, लाइक टिपिकल क्विज गेम्स बना रहे या फिर यू नो आरएमजी पे काम कर रहे, वो लोग ज़्यादा नहीं थे, पर देखा जाए तो इस इवेंट में ऑलमोस्ट इंडिया के इंडस्ट्री के सब बड़े लोग आए थे, और वही एक ब्यूटी है इस इवेंट की। 3 साल बाद हुआ है ये इवेंट, तो उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा लोगों ने अटेंडेंस दिया था, लोगों को एक्चुअली मिलना था एक दूसरे से, मीटअप हुआ एक तरीके का, और उस पार्टी में बहुत लोग आए थे। इनफैक्ट हम लोग काफ़ी देर तक तन्मय भट्ट से चैट कर रहे थे अबाउट वेब 3 एंड हाउ ही इज इंटरेस्टेड इन वेब 3। तो उसके बाद आई मीन वो एक फर्स्ट दिन की पार्टी थी, रात 1-2 बजे तक चली, हम लोग निकल गए थे 1 बजे, मैं निकल गए थे, और उसके बाद दूसरे दिन इवेंट स्टार्ट हुआ 9:00 को, 9:00 से लेके राउंड अबाउट 5:30 तक ये इवेंट चला, और आई मस्ट टेल यू इस इवेंट में इतना ज्ञान, इतनी इंफॉर्मेशन, इतने इंसाइट्स मिले हैं लोगों को, NFTs, ब्लॉकचेन, NFT गेमिंग से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें लोगों के लिए नए हैं। इनफैक्ट जो बहुत इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे हैं ट्रेडिशनल गेम्स पे, उनके लिए भी ये काफ़ी नई चीज़ें सीखने लायक हैं, और हम लोग लिटरली एकदम न्यूबीज, रूकीज की तरह बैठ के सुन रहे थे लोगों को। बहुत यंग क्राउड भी था, जिन लोगों ने बहुत अमेजिंग चीज़ें, गेम्स बनाए हैं वेब 3 पे, तो उनसे भी सीखने जैसी बहुत सारी चीज़ें थी। आई डोंट नो वेदर दिस इज अ फैड और अ फोमो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर ये टेक्नोलॉजी वाइडली यूज़ होने लगी तो ऐसा भी हो सकता है। आई मीन बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये एक जस्ट एक बबल है, वो बस्ट हो जाएगा, फैड है, लोग सिर्फ पैसा उठा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी वाइडली इसका इकोसिस्टम बन गया और हर जगह पे इसकी वैल्यू उतनी ही होगी और लोग उस पर काम करने लगे, तो ऐसा हो सकता है कि 90% ऑफ द गेम्स इन 3 years वुड प्रॉबेबली बी ऑन वेब 3। तब आप क्या करोगे? तब आप रह जाओगे पीछे। तो इसके लिए आई थिंक एवरी कंपनी, जो भी वो लोग कर रहे हैं उसके साथ ये एक मॉड्यूल को भी फॉलो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बना ही रहे, कुछ R&D कर ही रहे इस चीज़ पे। तो
probably after the event we'll also think of something which you know is in sync with this. But event kafi badhiya tha. People from Polygon, IndieGG, Tegro, Solana, game guilds and all those people who are doing amazing stuff in Web3 space. In logo ke talks kafi interesting the. Uske baad just after the event there was again an after party jo event ke baad hoti hai, to wo 2-3 ghante tak chali, jahan pe again agar aap obviously kuch hi logo ko access tha pehle din ke party ka, isliye ye party specifically sabke liye opened up thi jo networking karna chahte the logo ke sath. Logo ne uska pura fayda uthaya. लोग यू नो कॉन्वर्जेशंस कर रहे थे एक दूसरे के साथ, अपॉर्चुनिटीज फ्लो हो रही थी पूरे इवेंट के टाइम. और ऐसा भी था कि जब टॉक्स चल रहे थे पूरे 9 से लेके 5:30 तक, तभी भी आधे लोग टॉक्स अटेंड कर रहे थे और आधे लोग बाहर नेटवर्किंग कर रहे थे. लोग अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे थे, मिल रहे थे लोगों के साथ, बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज कर रहे थे, और ये एक टिपिकल इवेंट में होता ही है. सो उसके बाद लाइक वो इवेंट, वो आफ्टर पार्टी होने के बाद अगेन और दो कोई पब्लिशर्स थे, इंजन स्टार्टर एक था और पॉलीगॉन था. इन दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग पार्टीज रखी थी इस पार्टी के बाद, जहाँ पे अगेन आप जाके यू नो लोगों के साथ नेटवर्क कर सकते हो, चिल कर सकते हो, समझ सकते हो स्पेस को ज़्यादा. तो ये पूरा का पूरा एक सेटअप था, 2 दिन का इवेंट था, बहुत मज़ा आया. बट कहने का तात्पर्य यू नो समराइज इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आप समझे इसकी वैल्यू. और अगर आपको यू नो अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी ऐसे इवेंट में जाने की, तो उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा. जो पैसा आप इस पर खर्च करेंगे, लोग अभी बॉम्बे से भी लोग आए थे बैंगलोर में, जो हालांकि प्लेन से नहीं गए लेकिन ट्रेन से गए, तो एक्सपेंसेस बचाने के लोगों ने ये भी किया. लेकिन जो जो लोग वहाँ पे अटेंड कर रहे थे उन सबको उतना उससे आई थिंक उसका ROI जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है वो बहुत 10x 20x मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों ने वो इवेंट अटेंड किया. तो आप लोग जब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि ऐसे कोई इवेंट्स अटेंड करने, तो डेफिनेटली करिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ना पाप है. सो दैट इज़ इट फ्रॉम मी गाइज. IGDC का मेन इवेंट नवंबर में है, वो तो आएगा, उसको ज़रूर मिस मत करिए, बिकॉज इस बार ये इवेंट फिजिकल होने वाला है और बहुत ग्रैंड होने वाला है. तो अगर आप हैदराबाद से बाहर हो तो आप अभी से पैसा कलेक्ट करना चालू कर दो, बिकॉज गेमिंग में हो और IGDC का मेन इवेंट अगर मिस करोगे तो देयर इज़ नो पॉइंट. ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू गॉट टू लर्न अ बिट अबाउट the space and the industry. Milta hu aap logo ko agle video mein, tab tak ke liye bye bye.